नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14 फरवरी के दिन पढ़ने वाली बसंत पंचमी के बारे में। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि जो हमारी सरस्वती देवी हैं, इसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इस धरती के प्रत्येक मानव को ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती से ही हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज, हर एक मनोकामना को कितने आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय या फिर तांत्रिक उपाय का लीजिए बताऊंगा जिसे करने मात्र से आप प्रत्येक जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं, इस साल 14 फरवरी को वसंत पंचमी है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। इनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। वसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चे से ये उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी मनाने के पीछे का क्या कारण है और इसे क्यों मनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे आप सोच नहीं सकती। दोस्तों, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल ना जाए तो मुझे बताना दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को यह एक चीज खिला दे तो तुम मन कर चलिए दोस्तों आपकी जीवन की तारीख निराले हो जाएंगे। यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बसंत पंचमी वर्ष की सारी आरतियों में वसंत को सभी आरतियों का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानते चलेंगे। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी, चार भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से चुराता है जी तो करें ये उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वसंत पंचमी के दिन मां
सरस्वती को बच्चे के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवाएं। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। इस मंत्र का करें जाप। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मूल मंत्र AUM सरस्वत्यै नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। बच्चे को बोलने में है समस्या तो करें ये उपाय। यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा ऊं ह्रीं श्री सरस्वतीय नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जिह्वा पर लिखे ये मंत्र वहीं जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहद में डुबोकर ऊं एन मंत्र लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, इस दिन आप यह एक उपाय जरूर करें कि जो मोर पंख होता है उसे अपनी जो भी अभी तक आपने अपनी सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसी आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उसके साथ एक मोर पंख को जरूर रखें। मोर पंख दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह सख्त और ताजा होना चाहिए। दोस्तों, इसे आप अपने मार्कशीट में हमेशा रखें। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो फिर आप पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा होगी, ऐसी असीम कृपा होगी, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बात नहीं सकता। दोस्तों, इसलिए इस उपाय को जरूर करें। और दोस्तों, एक धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको कहीं भी गौ माता देखे तो सबसे पहले तो उसे अपने द्वारा में बुला लेना है, या फिर आप पकड़कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के बाद उसे 3 रोटी खिला देना है दोस्तों। और ये काम आपको सुबह सुबह ही करना है। दोस्तों, ये काम दिन में नहीं बल्कि आपको सुबह 7 से लेकर 12 तक ये कार्य को कर सकती है। दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों 3 से 4 दिन में ही देख लेना, फर्क आपको नजर आने लगेगा। अगर उन्होंने कोई परीक्षा दिए होंगे तो उसमें सफलता इनको निश्चित रूप से ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है। दोस्तों, यह बात का जरूर ध्यान रखिए कि रोटी गाय को खिलाते समय उसमें गुड़ अवश्य रख ले, जिससे कि गौ माता को इससे शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको आशिम आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा और उपाय जिससे आप जो भी आपको अपनी जी परीक्षा में आप बार बार सफल हो रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे PAC या फिर UPSSC की तैयारी करते हैं। दोस्तों, होने मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जिनके बस जल्दी ही उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। इस उपाय को आपको 2 दिन कर लेना है। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप इस उपाय को 2 दिन ही कर देते हैं तो मां सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा होगी कि जिस काम को आप नौकर की भांति अभी कर रहे हो उसे कार्य में भी आप मालिक बन जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दे कि जो भी यह कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मालिक हैं आज की डेट में, दोस्तों वह इन उपायों को करने से ही उनका धन ऐश्वर्य है, या फिर आप कह सकती हैं कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वह इन उपायों को जरूर करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आपको उपाय बता देता हूं कि आपको 2 दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपके पास में कहीं मंदिर हो, वहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी हो, तो दोस्तों आपको क्या कहना है, आपको बाजार से एक बिना ले लेना है। दोस्तों, आपको यह तो झात ही होगा कि माँ सरस्वती को दुनिया बिना अत्यधिक अच्छी एवं प्यारी लगती है। दोस्तों, इसलिए आप उनका लगातार 2 दिन एक खिलौने वाली बिना आती है उसे 2 दिन तक आपको माँ सरस्वती को अर्पण करना है। दोस्तों, माँ के चलिए, अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपको 3रे दिन से ही जिस तरह से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस तरह से आपको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये उपाय हम तो बात ही रहे हैं, बल्कि जो तांत्रिक होते हैं, जो वशीकरण वाली क्रियाएं करते हैं, अगर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी ऐसे ही होती है और इतनी सारी ज्ञान जादू टोना जो भी वह करते हैं वह इसी के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा में बार बार फेल हो रही हो तो दोस्तों अब मैं आपको उसका उपाय भी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप पढ़ते तो बहुत हो
पर आप परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए कि अभी तक जितने भी बालक या पुत्री जो भी उसे परीक्षा में पास हुआ है, आप उनसे मिलिए और उनसे जानिए कि आप किस तरह से या कौन सा उपाय आपने किया है। दोस्तों इसके लिए आपको एक उपाय भी बता देता हूं कि आपने कनहर तो देखा ही होगा। आप कनहर के फूल को लगातार मां सरस्वती के चरणों में 7 दिन तक अर्पण करें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप यह उपाय करते हो तो मन कर चलिए जिसने भी आज तक अपने जीवन में कभी ना कभी यह उपाय कर लिया तो मां के चलिए दोस्तों उसके तारे निराली हो सकती है। दोस्तों आपको बता दे कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। दोस्तों इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैंने ये 7 कनहर के फूलों वाला जो उपाय बताया है दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हो, लगातार 7 दिन तक आपको यह उपाय करना है और मां सरस्वती के चरणों में इस फूल को रखते समय आपको एक मंत्र का जप भी करना है कि हे मां सरस्वती, मुझे ज्ञान की ऐसी लोक शक्ति दो जिससे कि मैं एक समझदार व्यक्ति बन जाऊं या फिर मैं अपनी जीवन में जो चाहूं वह बन जाऊं। दोस्तों इस मंत्र को आपको 108 बार जरूर जप करना है। दोस्तों आप 7 से 8वें दिन ही देख लेना, दोस्तों इसका फर्क आपको देखने लग जाएगा और आप जिस परीक्षा में कई सालों से प्रयास कर रही हैं उसे परीक्षा में एक बार में ही आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों इस उपाय को हम कई बार पहले भी कई बार बता चुके हैं। दोस्तों अगर यह उपाय आप कर लेते हो तो मन कर चलिए आपकी जो भी परेशानी दिक्कत आपके जीवन में आ रही है वह प्रत्येक समस्या परेशानी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करके मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस उपाय को आप जरूर कर लेना तो आपको लाभ ही लाभ होगा। और दोस्तों ये वीडियो अभी तक आपने पूरा देखा है तो इस चैनल को बखूबी ही आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हर एक हिंदू भाई तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञान पर तक वीडियो में। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को हर एक हिंदू भाई तक जरूर शेयर करें और जिससे हर किसी को लाभ की प्राप्ति हो। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने हर एक हिंदू भाई तक।